ब्यूरोक्रेट्स को बीजेपी हमेशा भाती रही है। मोदी की कैबिनेट से लेकर संसद और यूपी विधानसभा तक में वीआरएस या रिटायरमेंट के बाद आए अफसरों का जलवा है। इस कड़ी में पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा का नाम भी अब जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व अधिकारी और साल 1988 के गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एके शर्मा आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि एके शर्मा को यूपी में बड़ी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सोमवार को ही एके शर्मा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लिया था। एके शर्मा पीएम मोदी के करीबी बताए जाते हैं। शर्मा ने नरेंद्र मोदी के गुजरात रहते हुए उनके साथ काम किया था। शर्मा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली आए और पीएमओ में भी अधिकारी बने। उन्होंने पहले सीएमओ और फिर पीएमओ में अहम जिम्मेदारी निभाई। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर सबको चौंका दिया। संगठन से लेकर सरकार तक कुछ बड़े चेहरों की धड़कनें बढ़ गई है। ऐसे में विधान परिषद भेजे जाने से लेकर उनकी दूसरी बड़ी भूमिकाओं तक के कयास लगाए जा रहे हैं। आप सभी को आज मकर संक्रांति की खूब खूब शुभकामना, नए वर्ष की भी शुभकामना, और मैं आशा रखता हूं कि आपका ये वर्ष पूरी तरह से स्वस्थ, सुरक्षित और सफल रहेगा। खूब खूब धन्यवाद।